नमस्कार दोस्तों, लिखाओ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं 2018 के पिछले 6 महीनों के करंट अफेयर्स का वीडियो लाया हूँ, जिसमें मैंने जनवरी से जून महीने तक सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। यह सभी प्रश्न आने वाले सभी गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अगर आप प्रश्न उत्तर और स्पष्टीकरण के साथ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाइए, वहां पर आपको PDF लिंक मिल जाएगी जिसे आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। दूसरी बात कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को SC ST कर्मचारियों के लिए पद वृद्धि नीति में आरक्षण लागू करने की अनुमति दी है, यानी कि रिजर्वेशन इन अ प्रमोशन। संविधान के किस लेख के अनुसार पद वृद्धि में आरक्षण अनिवार्य है, यानी कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है? उत्तर है सी, अनुच्छेद 16(4)(a)। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कानून के अनुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए पद वृद्धि नीति में आरक्षण लागू करने की इजाजत दी है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में नहीं रहे, जिसने केंद्र द्वारा जारी अगस्त 1997 के कार्यालय ज्ञापन को रद्द कर दिया था। दलित और जनजातीय कर्मचारियों के लिए पद वृद्धि में आरक्षण प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a) के अनुसार राज्य को मात्रात्मक डेटा के आधार पर SC ST को पद वृद्धि में आरक्षण प्रदान करने के लिए एक मामला बनाना होगा। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा वर्ष 2017 के हिंदी शब्द के रूप में कौन सा शब्द घोषित किया गया है, यानी कि हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसको बोला गया है? उत्तर है डी, आधार। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने हिंदी शब्द वर्ष 2017 के लिए आधार को घोषित कर दिया है। यह घोषणा 27 जनवरी 2018 को जयपुर साहित्य समारोह में ऑक्सफोर्ड शब्दकोश द्वारा की गई थी। आधार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए आधार कार्ड यानी अद्वितीय पहचान संख्या का संक्षिप्त नाम है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर्स। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क किस राज्य में लॉन्च हुआ है, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर पार्क कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? उत्तर है सी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु से लगभग 180 किलोमीटर दूर तुमाकुरु जिले के पावगदा में दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क यानी कि शक्ति स्थलान लॉन्च किया है। याद रखना है, शक्ति स्थलान सोलर पार्क में 2000 मेगावाट क्षमता है और 16,500 करोड़ रुपए के निवेश पर स्थापित किया गया है। सभी महिला कर्मचारियों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में किस रेलवे स्टेशन ने प्रवेश किया, यानी कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में कौन सा रेलवे स्टेशन जो एंटर हुआ है जिसमें सभी वुमन स्टाफ है? उत्तर है बी, माटुंगा रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा, माटुंगा रेलवे स्टेशन मुंबई डिवीजन के केंद्रीय रेलवे पर माटुंगा उपनगरीय स्टेशन ने सभी महिला कर्मचारियों के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2018 में पाया है। यह उपलब्धि 6 महीने के बाद मिली, जब माटुंगा देश का पहला रेलवे स्टेशन बना जिसमें पूरा स्टेशन सभी महिला कर्मचारियों के द्वारा संचालित किया गया है। उसमें स्टेशन मैनेजर ममता कुलकर्णी की देखरेख में 41 महिला कर्मचारियां काम करते हैं। 71वीं ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? उत्तर है सी, थ्री बिलीबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी। थ्री बिलीबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी ने 18 फरवरी को 2018 को लंदन इंग्लैंड में रॉयल अल्बर्ट हॉल में 71वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है। फिल्म मार्टिन मैकडोनाल्ड द्वारा निर्देशित की गई है। यह फिल्म अपनी बेटी की हत्या के लिए न्याय मांगने वाली एक महिला के बारे में है। कक्षा में छोटे उपग्रह को ले जाने के लिए किस देश ने सफलतापूर्वक दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है? याद रखिएगा, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रॉकेट।
उत्तर है ए जापान। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने सफलतापूर्वक कक्षा में एक छोटे से उपग्रह को रखने की क्षमता के साथ दुनिया का सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया। प्रयोगात्मक SS-520 ध्वनि रॉकेट उची नोरा स्पेस सेंटर से हटा दिया गया। यह एक माइक्रोसाइटेरियल ट्रिकोम बना ले गया। 1-3 इकाई क्यूबसेट वजन लगभग 3 किलोग्राम था। क्यूबसेट अब कई कैमरों के माध्यम से पृथ्वी की सतह की छवियों को इकट्ठा करने के लिए उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो अर्थ की जो सरफेस है उसकी इमेज को कलेक्ट करने के लिए। विजडन इंडिया अल्मनेक 2018 के 6वें संस्करण में किसको क्रिकेटर ऑफ द ईयर नाम दिया गया है? उत्तर है बी KL राहुल। विजडन इंडिया अल्मनेक के 6वें संस्करण में KL राहुल को क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा भारत की पहली महिला सुपरस्टार शांता रंगस्वामी को इरपल्ली प्रसन्ना के साथ विजडन इंडिया हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। भारतीय महिलाओं की टीम में कप्तान की पहली महिला वो शांता रंगस्वामी थी। एग्जाम वॉरियर्स किताब का लेखक कौन है, यानी कि एग्जाम वॉरियर्स नाम की जो बुक है उसका ऑथर कौन है? उत्तर है ए नरेंद्र मोदी। 3 फरवरी 2018 को एग्जाम वॉरियर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई एक पुस्तक लॉन्च की गई थी। पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज द्वारा जारी की गई थी। प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। यह पुस्तक पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इसमें 208 पेजेस भी है। यह पुस्तक युवाओं को प्रेरित करने और ताजा और नई ऊर्जा के साथ परीक्षाओं जैसी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने में मदद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2018 का ताज किसे पहनाया गया है? उत्तर है डी अनूप रेथीवास। 19 जून 2018 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में तमिलनाडु के अनूप रेथीवास को FBB कलर्स फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2018 का ताज पहनाया गया है। अनुकृति ने सम्मान प्राप्त करने के लिए 30 प्रतिभागियों को हराया। अब इस साल की मिस वर्ल्ड में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2018 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर के रूप में किसे नामित किया गया है? उत्तर है ए रवि मेनन। सिंगापुर में भारतीय मूल के बैंकर रवि मेनन को सिंगापुर की वित्तीय प्रणाली के बदलाव में उनके योगदान के लिए अग्रणी ब्रिटेन स्थित पत्रिका द बैंकर द्वारा 2018 के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंक गवर्नर के रूप में नामित किया गया है। वह सिंगापुर के केंद्रीय बैंक मौद्रिक प्राधिकरण सिंगापुर के प्रबंध निदेशक है। वर्ष 2017 के अरब फुटबॉल प्लेयर का नाम किसको दिया गया था? उत्तर है सी मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह लिवरपूल और इजिप्ट स्ट्राइकर को अरब फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर 2017 नाम दिया गया था। विभिन्न अरब देशों के लगभग 100 खेल पत्रकारों के साथ एक सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, जिसमें मोहम्मद सलाह ने चुनाव जीत लिया और वर्ष 2017 के शीर्षक के अरब फुटबॉल प्लेयर का दावा किया। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर का नाम दें। उत्तर है बी महेंद्र सिंह धोनी। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में 2 अप्रैल 2018 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद रैंक रखते हैं। उन्हें अपनी सेनावर्दी में पद्म भूषण पुरस्कार मिला। भारत के सबसे तेज और पहले मल्टीप्लेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष को किस संस्थान ने स्थापित किया? याद रखिएगा फर्स्ट मल्टीप्लेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष।
उत्तर रेड्डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी पुणे, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 8 जनवरी 2018 को भारत में भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर प्रत्युष को समर्पित किया है। सुपर कंप्यूटर पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरियोलॉजी में स्थापित किया गया है और MOES की छतरी के नीचे मौसम और जलवायु पूर्वानुमान में सुधार के लिए राष्ट्रीय सुविधा होगी। पेटाफ्लॉप्स एक कंप्यूटर की प्रसंस्करण गति का एक उपाय है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बैंक धोखाधड़ी को देखने के लिए कौन सी समिति गठित की गई है? उत्तर है ए, YH मालेगांव कमेटी। भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI के केंद्रीय निर्देशक मंडल के पूर्व सदस्य YH मालेगांव की अध्यक्षता में एक नई 5 सदस्य विशेषज्ञ समिति गठित की है ताकि परिसंपत्ति वर्गीकरण में बैंकों द्वारा व्यापक विचलन और बैंकों द्वारा प्रावधान और धोखाधड़ी रोकने के उपायों के कारण को देखने के लिए। क्रिप्टो मुद्रा स्वामित्व के मामले में फोर्ब्स सूची में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? उत्तर है बी, क्रिस लार्सन। फोर्ब्स ने क्रिप्टो करेंसी स्वामित्व के संदर्भ में सबसे अमीर लोगों की अपनी पहली सूची जारी की है। 2017 के दौरान क्रिप्टो करेंसी में लोकप्रियता देखी गई और मूल्य प्रशंसा के कारण बहुत ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि बिटकॉइन, एथेरियम और XRP $7.5 टू $8.5 बिलियन के अनुमानित क्रिप्टो नेटवर्क के साथ रिपल सहस्थापक क्रिस लार्सन ने इस उद्घाटन सूची में सबसे ऊपर है। दुनिया का सबसे लंबा होटल गेवोरा किस शहर में खोला गया है? उत्तर है डी, दुबई। 11 फरवरी 2018 को दुबई संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया का सबसे लंबा होटल गेवोरा खोला गया है। चमकदार सोना 75 मंजिला गेवोरा होटल 356 मीटर या लगभग 1/4 मील लंबा है। होटल में 528 अतिथि कमरे हैं और स्वीट्स और 4 रेस्तरा भी है। इसमें 232 डिलक्स कमरे, 265 एक बेडरूम का डिलक्स और 31 दो बेडरूम स्वीट्स है। दुबई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का भी घर है। 90वें अकादमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है सी, फ्रांसिस मैकडोरमैंड। फ्रांसिस मैकडोरमैंड ने 5 मार्च को लॉस एंजेलिस में हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में आयोजित समारोह में 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी, याद रखना है 3 बिलबोर्ड्स आउटसाइड एबिंग मिसौरी एक फिल्म है, उसमें एक दुखी माँ के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए 90वें अकादमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। गैरी ओल्डमैन ने फिल्म डार्केस्ट आवर में नाटक की अवधि में पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल की भूमिका को चित्रित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पुरस्कार जीता है। भारत के किस पड़ोसी देश ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का फैसला किया है? उत्तर है बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने विशेष समूहों के लिए नौकरियों का अलग करने की विवादास्पद नीति के विरोध में हजारों छात्रों ने देश भर में मार्च के बाद सरकारी सेवाओं में कोटा प्रणाली को तोड़ने का फैसला किया है। छात्रों ने सरकारी नौकरियों के लिए भेदभावपूर्ण कोटा के खिलाफ विरोध शुरू किया था, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय के कई लोग घायल हुए थे। यूके में 2018 के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन पुरस्कार में किस बॉलीवुड व्यक्तित्व ने आजीवन उपलब्धि पुरस्कार जीता है? उत्तर है डी, शत्रुघ्न सिन्हा। 2 मार्च 2018 को यूके के संसद परिसर में एक समारोह में कला और राजनीतिक के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अभिनेता राजनेता शत्रुघ्न सिन्हा को आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिन्हा, जिन्होंने 1960 के दशक के अंत में एक अभिनेता के रूप में अपना करियर शुरू किया था, 225 हिंदी फीचर
फिल्मों के अलावा अन्य भारतीय भाषाओं में उनके क्रेडिट के लिए है। सत्तारूढ़ बीजेपी के एक सदस्य वह लोकसभा के बिहार राज्य के पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र के संसद के निचले सदन का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। कर्नाटक में कौन से शहर में भारत का सबसे लंबा झंडा फहराया गया है? उत्तर है ए बेलगावी। कर्नाटक में बेलगावी में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। 110 मीटर झंडा ध्रुव पर 9,600 वर्ग फुट का ध्वज जिला प्रभारी मंत्री रमेश जरकीहोली द्वारा फहराया गया है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी है। याद रखिएगा एच डी कुमारस्वामी। गूगल असिस्टेंट संचालित स्पीकर का नाम दे जिन्हें भारत में पहली बार लॉन्च किया गया है। उत्तर है ए गूगल होम और होम मिनी। गूगल होम और होम मिनी ब्लूटूथ स्पीकर भारत में लॉन्च किए गए हैं। गूगल असिस्टेंट संचालित स्पीकर फ्लिपकार्ट और भारत में 750 रिटेल स्टोर में उपलब्ध होंगे। गूगल होम की कीमत 9,999 रुपये है और होम मिनी की कीमत भारत में 4,499 रुपये है। वे गूगल के iOS 2016 सम्मेलन में लॉन्च किए गए थे। यह पहली बार है कि जब गूगल ने भारत में अपने स्पीकर को लॉन्च किया है। गूगल होम और होम मिनी के ओके गूगल कहकर सक्रिय किया जा सकता है। गूगल होम एंड्रॉइड टीवी के साथ भी काम करता है और नेटफ्लिक्स को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वे उपयोगकर्ता के सवालों का जवाब देंगे, जैसे किसी स्थान, राशिफल, मौसम आदि तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। विश्व हिंदू परिषद के नए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कौन चुना गया है? उत्तर है सी विष्णु सदाशिव कोकजे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व विष्णु सदाशिव कोकजे को 14 अप्रैल 2018 को गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद के नए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था, जिसके लिए 5 दशकों में पहली बार वहां पे मतदान हुआ। दुनिया के सबसे पुराने व्यक्ति नबी ताजिमा का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थी? उत्तर है ए जापान। 21 अप्रैल 2018 को जापान के किकई में दुनिया की सबसे पुरानी जापानी सुपर सेंटेरियन नबी ताजिमा का निधन हो गया है। उनका जन्म 4 अगस्त 1900 को हुआ था और बड़े पैमाने पर महान पोते समेत 160 से अधिक वंशज थे। वह 19वीं शताब्दी के में पैदा होने वाले प्रमाणित अंतिम जीवित व्यक्ति थे। ताजिमा 7 महीने पहले जमैका में वायलेट ब्राउन की मौत के बाद 117 वर्ष की उम्र में दुनिया का सबसे पुरानी व्यक्ति वो बन गए हैं। 2018 फॉर्मूला वन चीनी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है बी डेनियल रिकियाडो। ऑस्ट्रेलिया रेसिंग ड्राइवर डेनियल रिकियाडो ने संघाई चीन में संघाई इंटरनेशनल सर्किट में 2018 फॉर्मूला वन चीनी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीत लिया है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? उत्तर है ए मिथाली राज। मिथाली दोराय राज एक भारतीय क्रिकेटर और टेस्ट और ओडीआई में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2000 रन बनाने वाले पहली भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने 7 जून 2018 को कोलालंपुर में महिला एशिया कप T20 में श्रीलंका को खिलाफ भारत की 7 विकेट से जीत के दौरान ऐतिहासिक स्थान हासिल किया। मिथाली के पास अब 75 मैचों में 2015 रन है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है डी एम के जैन। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ महेश कुमार जैन को भारतीय रिजर्व बैंक के चौथे उपराज्यपाल के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। यह पद अगस्त 2017 में एसएस मुंद्रा की सेवानिवृत्ति के बाद खाली पड़ा था। आरबीआई के अन्य डिप्यूटी गवर्नर
विरल आचार्य, बीपी कनुनगो और एनएस विश्वनाथन है। ह्यूगो ज्वालामुखी हाल ही में किस देश में उभरा है? उत्तर है बी गोटेमाला। मेक्सिको के दक्षिण में एक मध्य अमेरिकी देश गोटेमाला ज्वालामुखी वर्षावन और प्राचीन माया साइटों का एक घर है। ह्यूगो ज्वालामुखी गोटेमाला में एक सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है जो हाल ही में हिंसक रूप से उभरा है और दक्षिणी तट पर कई गांवों को दफना भी दिया है। ह्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट में मृत्यु दर 99 हो गई। विश्व बैंक ने भारतीय सरकार के अटल भूजल योजना को कितनी राशि की मंजूरी दे दी है? उत्तर है सी 6000 करोड़ रुपए। विश्व बैंक ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र योजना अटल भूजल योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। देश के एक बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों की गंभीरता को संबोधित करने के लिए मंत्रालय द्वारा FBHY तैयार किया गया है। 2018 विश्व हिंदी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? याद रखना है 2018 वर्ल्ड हिंदी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? उत्तर है सी 10 जनवरी। 1975 में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हर साल विश्व 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहले WHC का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसके अलावा 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना है 14 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जिस दिन संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में लिखा गया था। किस देश की टीम ने ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 का पांचवा संस्करण जीता है? उत्तर है बी भारत। भारतीय क्रिकेट टीम ने संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 का पांचवा संस्करण जीता है। इसके साथ भारत ने अंधेरे के लिए विश्व कप बनाए रखा है। मेरी कॉम ने 2018 इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में किस वजन श्रेणी में स्वर्ण जीता है? उत्तर है डी 48 किलो कैटेगरी। बॉक्सिंग में 5 बार विश्व चैंपियन मेरी कॉम ने 2 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में 2018 इंडिया ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में महिलाओं के बीच 48 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में फिलिपिनो जोशी गेपको के खिलाफ 4-1 से जीत दर्ज की थी। संस्कृत भाषा सीखने के लिए अपनी तरह का पहला केंद्र किस शहर में आया है? उत्तर है बी अहमदाबाद। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 फरवरी 2018 को अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में संस्कृत भाषा सीखने के लिए एक केंद्र लॉन्च किया है। संस्कृत भाषा सीखने के लिए अपनी तरह का ये पहला केंद्र है जिसमें लोगों को भाषा बोलने के तरीके के लिए 6 महीने का कोर्स प्रदान करेगा। किस भारतीय शहर में पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा यानी कि हेली टैक्सी लॉन्च की गई थी? उत्तर है डी बेंगलुरु। 5 मार्च 2018 को बेंगलुरु में भारत की पहली हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा यानी कि हेली टैक्सी लॉन्च की गई थी। हेली टैक्सी की पहली यात्रा बेंगलुरु में इलेक्ट्रॉनिक सिटी और केंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के बीच में हुई थी और वो 15 मिनट में पूरी भी हो गई थी। किस भारतीय चेस मास्टर ने मॉस्को में 2018 काल मेमोरियल रैपिड चेस टूर्नामेंट जीता है? उत्तर है ए विश्वनाथन आनंद। 5 बार विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने 4 मार्च को मॉस्को में 6.09 के स्कोर के साथ 11वें ताल मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट 2018 जीता था। यह जीत इजराइल के बोरिस गेलफेंड के खिलाफ एक आसान अंतिम दौर ड्रॉ के बाद हुई थी। 100 बिलियन डॉलर मार्केट
कैपिटलाइजेशन हिट करने वाली पहली कंपनी आईटी फर्म कौन सी कंपनी बन गई? उत्तर है डी टीसीएस। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 23 अप्रैल 2018 को 100 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण अंक को हिट करने वाली पहली सूचीबद्ध भारतीय आईटी कंपनी बनकर इतिहास बनाया है। कंपनी का बाजार मूल्य 6.53 लाख करोड़ रुपए है। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के अनुसार 2017 में कौन सा देश रेमिटेंस का उच्चतम प्राप्त करता है? उत्तर है ए भारत। विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ के मुताबिक 2017 में भारत 69 अरब डॉलर के साथ विश्व स्तर पर रेमिटेंस का उच्चतम प्राप्त करता है। इसके बाद चीन, फिलीपींस, मेक्सिको, नाइजीरिया और मिस्र आता है। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी पुरस्कार 2018 में कौन सी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर पुरस्कार जीता है? उत्तर है ए तुम्हारी सुलु। तुम्हारी सुलु एक गृहिणी के बारे में फिल्म है जो रेडियो जॉकी के रूप में नौकरी लेती है। उसने बैंकॉक में अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्मों एकेडमी पुरस्कार 2018 में सर्वश्रेष्ठ पिक्चर पुरस्कार जीता। फिल्म हिंदी माध्यम में दिल्ली के पोस्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में अपने बच्चे को भर्ती करने की कोशिश कर रहे पिता की भूमिका के लिए इरफान खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रॉफी को अपनी फिल्म हिंदी माध्यम के लिए साकेत चौधरी ने जीता था। भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी द्विमासिक मॉनेटरी नीति समीक्षा में वर्तमान रेपो दर क्या है? उत्तर है बी 6.25%। 6 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 सदस्य मॉनेटरी नीति समिति ने वित्त वर्ष 19 की दूसरी द्विमासिक मॉनेटरी नीति समीक्षा में प्रमुख नीति रेपो दर 25 आधार अंकों से 6.25% कर दी। समवर्ती रूप से रिवर्स रेपो दर 6.0% तक समायोजित की गई है और सीमांत स्थायी सुविधा दर को बैंक दर 6.50% है। दक्षिण भारत से पहली महिला भारतीय वायुसेना लड़ाकू पायलट कौन बन गई है? उत्तर है डी मेघना शानबो। एक इंजीनियरिंग स्नातक फ्लाइंग अधिकारी मेघना शानबो एमआर भारतीय वायुसेना के रैंक में शामिल होने के लिए 6 महिला लड़ाकू पायलट बन गई है। वह कर्नाटक और दक्षिणी भारत से पहली महिला है। वह दंडीगल में वायुसेना एकेडमी से स्नातक भी है। निम्नलिखित में से किसने 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? उत्तर है बी हिंदी मीडियम। साकेत चौधरी द्वारा निर्देशित हिंदी मीडियम ने 63वें जियो फिल्म फेयर अवार्ड 2018 में इरफान खान के निर्दोष प्रदर्शन के लिए एक अग्रणी भूमिका और सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणियों में सम्मान प्राप्त किया है। विद्या बालन ने अपना करियर का 6वां फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। एक मध्यम आयु वर्ग के गृहस्थ को अपने भावुक चित्रण के लिए जो तुम्हारी सुनो में एक रेडियो जॉकी में बदल जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए ब्लैक लेडी का दावा किया था। अश्विनी अय्यर तिवारी ने बरेली की बर्फी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है। लुप्त प्राय पक्षी भाषा ने अमृत सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में प्रवेश किया है। यह किस देश से संबंधित है? उत्तर है बी तुर्की। तुर्की की लुप्त प्राय पक्षी भाषा ने अमृत सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को की सूची में प्रवेश किया है। यह एक असामान्य और बहुत ही कुशल सिटी भाषा है जो दूरस्थ उत्तरी तुर्की में ग्रामीणों द्वारा संचार के साधन के रूप में उपयोग की जाती है। यूनेस्को ने तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता में विश्व विरासत के लुप्त प्राय हिस्से के रूप में ब्लैक सागर ग्रामीणों की पक्षी भाषा को स्वीकार कर लिया है। अस्मा जहांगीर का निधन हाल ही में हुआ है। वह किस देश की लौह महिला है?
यानी कि आई ऑलरेडी है। उत्तर है ए पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता असमा जहांगीर पाकिस्तान के लाहौर में कार्डियक गिरफ्तारी के बाद मृत्यु हो गई। असमा जहांगीर को पाकिस्तान की लौह लेडी के रूप में जाना जाता था। वह पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के प्रमुख भी थे। वह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी थे। किस भारतीय ऐप ने 2018 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2018 में सर्वश्रेष्ठ एम सरकारी सेवा पुरस्कार जीता है? उत्तर है सी उमंग ऐप। भारत के उमंग ऐप ने सुलभ सरकारी वर्ग में सर्वश्रेष्ठ एम सरकारी सेवा पुरस्कार जीता है, जबकि आधार ने दुबई में विश्व सरकार के शिखर सम्मेलन 2018 के हाल के 6वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ उभरते प्रौद्योगिकी पुरस्कार जीते हैं, जहां भारत को अतिथि सम्मान देश की प्रतिष्ठा मिली। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए कानून और न्याय के क्षेत्र से पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? उत्तर है डी गीता मित्तल। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करने के लिए कानून और न्याय क्षेत्र में पहली महिला बन गई है। यह महिलाओं के लिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। 2018 विश्व जल दिवस का विषय क्या है? उत्तर है बी नेचर फॉर वाटर। पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 2018 की जो थीम है वो है नेचर फॉर वाटर। 21वीं शताब्दी में दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए प्रकृति आधारित समाधानों की खोज कर रही है। दिन पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट शहर दिन के दौरान 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है? उत्तर है डी दीव। दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला शहर बन गया है जो दिन के दौरान 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलता है और अन्य शहरों के लिए स्वच्छ और हरा बनने के लिए एक नया बेंचमार्क स्थापित करता है। पिछले साल तक दीव गुजरात से अपनी 73% बिजली आयात कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे पदोन्नत होने वाली पहली महिला वकील कौन बन गई है? उत्तर है सी इंदु मल्होत्रा। एक प्रसिद्ध मध्यस्थता विशेषज्ञ इंदु मल्होत्रा सर्वोच्च महिला न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सीधे पदोन्नत होने वाली पहली महिला वकील बन गए हैं। उन्होंने 27 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्यालय और गोपनीयता की शपथ ली। मल्होत्रा बेंच में शामिल होने के साथ सर्वोच्च न्यायालय की ताकत अब 31 की स्वीकृत शक्ति के खिलाफ 22 है, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। भारत का सबसे लंबा सेवा करने वाला मुख्यमंत्री कौन बन गया है? उत्तर है डी पवन चामलिंग। 29 अप्रैल को पवन चामलिंग ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास बनाया है। उन्होंने कार्यालय में 25 निर्बाध साल पूरे किए हैं। चामलिंग 12 दिसंबर 1994 को सिक्किम के मुख्यमंत्री बने और तब से छोटे हिमालय राज्य पर शासन किया है। वह सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष भी हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सभी नैदानिक उद्देश्यों के लिए ऑटो अक्षम सीरिंज का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन जाएगा? उत्तर है ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश संक्रमण को रोकने के लिए सभी नैदानिक उद्देश्यों के लिए ऑटो अक्षम सीरिंज का उपयोग करने वाला पहला भारतीय राज्य बन जाएगा। यह कदम विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2018 से लागू किया जाएगा, जिसका
जब राज्य सरकार खुद को सुरक्षा इंजेक्शन उपयोग राज्य घोषित करेगी। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल द्वारा भारतीय कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरणादायक प्रतीक पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है? उत्तर है सी, युवराज सिंह। भारतीय स्टार क्रिकेटर युवराज सिंह को सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा समाज कल्याण के लिए वर्ष का सबसे प्रेरक प्रतीक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। युवराज जो भारत की 2011 विश्व कप जीतने वाली टीम के सदस्य भी थे, विश्व कप के तुरंत बाद कैंसर का निदान किया गया था। पाकिस्तान के पहले दृष्टिहीन विकलांग न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर है ए, यूसुफ सलीम। लाहौर से संबंधित यूसुफ सलीम को पाकिस्तान के पहले दृष्टिहीन न्यायाधीश के रूप में शपथ ली गई है। वह 21 न्यायाधीशों में से थे जिन्होंने 26 जून 2018 को सिविल न्यायाधीशों के रूप में शपथ ग्रहण करने की शपथ ली थी। यूसुफ एक चार्टर्ड अकाउंटर का बेटा है और जन्म से दृष्टिहीन है। उनकी चार बहनें हैं और उनमें से दो भी दृष्टिहीन हैं। उनकी बहन सेमा सलीम 2017 में पहली बार दृष्टिहीन नागरिक नौकर बन गई है और वर्तमान में प्रधानमंत्री सचिवालय के साथ सेवा कर रही है, जबकि दूसरी बहन एक विश्वविद्यालय अध्यापक है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2018 का विषय क्या था? उत्तर है बी, आधिकारिक सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन। सामाजिक आर्थिक नियोजन और नीति तैयार करने में आंकड़ों के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह आंकड़े सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में उनके बहुमूल्य योगदान की मान्यता में भारतीय सांख्यिकी के पिता उत्तराधिकारी प्रोफेसर चंद्र महालानोबिस की जयंती भी दर्शाते हैं। 2018 विषय आधिकारिक सांख्यिक में गुणवत्ता आश्वासन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन रखने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है? उत्तर है डी, भोपाल रेलवे स्टेशन। भोपाल रेलवे स्टेशन भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है जिसमें हैप्पी नारी नामक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन है। मशीन केवल 5 रुपये की लागत से 2 सैनिटरी नैपकिन का वितरण करती है और 5 रुपये स्वीकार करती है। एक विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला कर्मचारी मशीन को फिर से भर देती है। 69वें गणतंत्र दिवस में भारत की सर्वोच्च शांतिपूर्ण सैन्य सजावट अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है डी, ज्योति प्रकाश निराला। इंडियन वायुसेना गरुड़ कमांडो के शारीरिक ज्योति प्रकाश निराला को 69वें गणतंत्र दिवस 2018 में आतंकवादियों से लड़ने में बहादुरी दिखाने और सेवा के लिए भारत की सर्वोच्च शांतिपूर्ण सैन्य सजावट अशोक चक्र के साथ मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बन गया है? उत्तर है बी, चीन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा प्रकाशित एक नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक चीन 2017 में 831.7 मिलियन टन उत्पादन करके दुनिया का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक रहा है। जापान ने दूसरी स्थिति हासिल की है, जबकि भारत ने अमेरिका को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक बनने के लिए पीछे छोड़ दिया है। 2017 में भारत का कच्चा स्टील उत्पादन 6.2% बढ़कर 101.4 मेट्रिक टन हो गया है, जबकि 2016 में 95.5 मेट्रिक टन था। किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी जिप लाइन लॉन्च की है? उत्तर है बी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने रस अल खेमा में दुनिया की सबसे लंबी जीप लाइन
जेबेल जेस फ्लाइट लॉन्च की है। 2.83 किलोमीटर जीप लाइन रोमांचकारी साधकों को संयुक्त अरब अमीरात के उच्चतम पर्वत जेबेल जेस की चोटी से कूदने की अनुमति देती है। जेबेल जेस फ्लाइट जीप लाइन जेबेल जेस माउंटेन की चोटी पर है। समुद्र तल से 1680 मीटर से शुरू हुई इसे हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी जीप लाइन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर गुफा भारत की किस राज्य में खोजी गई है? उत्तर है ए मेघालय। क्रेमपुरी नामक की दुनिया की सबसे लंबी बलुआ पत्थर गुफा मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मासिनराम क्षेत्र में नेट्सोहम के गांव के पास खोजी गई है। 24,583 मीटर की लंबाई के साथ 2016 में क्रेमपुरी की खोज की गई थी, लेकिन हाल के अभियानों में से एक के दौरान मेघालय एडवेंचरस एसोसिएशन ने गुफा की वास्तविक लंबाई प्राप्त की थी। भारत का पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? उत्तर है बी तमिलनाडु। भारत के पहले कीट संग्रहालय का उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनी स्वामी ने कोयम्बतूर में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में किया था। 6,691 वर्ग फुट क्षेत्र में स्थापित संग्रहालय पूरी तरह से कीड़ों को समर्पित है और वो देश में वो पहला है। 2018 अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है ए 29 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को दुनिया भर में कला रूप के मूल्य को पहचानने के लिए मनाया जाता है। यह आधुनिक बेले के निर्माता फ्रांसीसी नर्तकी जीन जोसेस नोवेरे की जयंती का प्रतीक भी है। राष्ट्रमंडल गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? उत्तर है सी मैरी कॉम। गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में बॉक्सिंग कार्यक्रमों में 5 बार विश्व चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एमसी मैरी कॉम ने 14 अप्रैल 2018 को 48 किलोग्राम फाइनल में उत्तरी आयरलैंड की क्रिस्टिना ओहारा को 5-0 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता, जिसके साथ मैरी कॉम राष्ट्रमंडल गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बन गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त पहली महिला अग्निशामक बनने वाली व्यक्ति का नाम दें। उत्तर है बी तानिया सन्यर। कोलकाता से तानिया सन्यर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त पहली महिला अग्निशामक बन गई है। बॉटनी में मास्टर्स करने वाली तानिया सन्यर को AAI के पूर्वी क्षेत्र के हवाई अड्डों के लिए नियुक्त किया गया है। स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? उत्तर है डी पेड्रो संचेज। स्पेनिश सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के पेड्रो संचेज को आधिकारिक तौर पर 1 जून को स्पेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई थी, जो पूर्व प्रधानमंत्री मारियानो राजय के खिलाफ विश्वास नहीं था। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। भारत की पहली जनजातीय रानी के रूप में किसको ताज पहनाया है? उत्तर है डी पल्लवी दुरुआ। उड़ीसा के कोरापुट जिले से संबंधित पल्लवी दुरुआ को 26 जून 2018 को उत्कल मंडप में आयोजित आदि रानी कलिंग जनजातीय रानी प्रतियोगिता में भारत की पहली जनजातीय रानी के रूप में ताज पहनाया गया था। चिटलागढ़ के पंचमी माझी और मयूरभंज के रश्मि रेखा दंसदाह को क्रमशः सौंदर्य पृष्ठ के पहले और दूसरे उपविजेता के रूप में घोषित किया गया। 2018 फॉर्मूला 1 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट 2018 किसने जीता है? उत्तर है बी लुइस हैमिल्टन। मर्सिडीज AMG पेट्रोनास के फॉर्मूला 1 में दौड़ने वाले ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने 24 जून को फ्रांस के लेक केंस्टरलैंड में
सर्किट पोल रिकॉर्ड में 2018 फॉर्मूला वन फ्रांसीसी ग्रैंड प्रिक्स टूर्नामेंट जीत ली है? किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2020 टूर्नामेंट 2018 का अधिग्रहण किया है? उत्तर हेडी बांग्लादेश। महिला क्रिकेट में बांग्लादेश की टीम ने 10 जून 2018 को कुआला लंपुर में फाइनल में भारत को हराकर एशिया कप 2020 टूर्नामेंट जीता है। भारत ने 2004 में टूर्नामेंट की शुरुआत के बाद से 6 खिताब जीते हैं, जबकि बांग्लादेश के लिए उनका पहला खिताब था। इस अंतर कनेक्टिविटी परियोजना के अनुसार भारत सरकार ने गांवों में 5000 वाईफाई चॉपर्स लॉन्च किए हैं। उत्तरेसी भारत नेट। भारत सरकार ने आम सेवा केंद्रों के माध्यम से गांवों में 5000 वाईफाई चॉपर्स और रेल टिकटों की डिलीवरी शुरू की है। 11 जून 2018 को नई दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस कदम का उद्देश्य भारत नेट के माध्यम से ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी को बदलना है। 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या के लिए किस शहर ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड निर्धारित कर लिया है? उत्तर है सी कोटा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के चौथे संस्करण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के एक ही समय में एक ही स्थान पर योग करने वाले लोगों के लिए राजस्थान के कोटा में स्थापित किया गया है। कोटा में राज्य स्तरीय योग समारोह में लगभग 1,60,000 लोगों ने 21 जून को एक ही समय में एक ही स्थान पर योग किया था। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और योग गुरु बाबा रामदेव ने आरएसी ग्राउंड में लोगों का नेतृत्व किया, जहां योग करने के लिए 30 लाख वर्ग फुट क्षेत्र तैयार किए गए थे। किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोटे विकसित किया है? उत्तर है ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे छोटा कंप्यूटर मिशिगन माइक्रोमोटे विकसित किया है। यह केवल 0.3 मिमी का है और कैंसर की निगरानी और इलाज के नए तरीकों को खोजने में मदद कर सकता है। रैम और फोटोवोल्टिक्स के अलावा नए माइक्रो कंप्यूटिंग डिवाइस में प्रोसेसर और वायरलेस ट्रांसमीटर और रिसीवर भी है। नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है बी ओम प्रकाश रावत। वरिष्ठ निर्वाचन आयुक्त ओम प्रकाश रावत को नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह 23 जनवरी 2018 को एके ज्योति का उत्तराधिकारी होंगे और दिसंबर 2018 में उनकी सेवानिवृत्ति तक लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल होगा। चुनाव आयुक्तों के पास 6 साल की निश्चित अवधि है, लेकिन यदि उनकी अवधि समाप्त होने से पहले 65 वर्ष की आयु तक पहुंच जाए तो वह रिटायर हो जाएंगे। 2018 ऑस्ट्रेलिया ओपन में 2018 पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता है? उत्तर है डी रोजर फेडरर। स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर ने 2018 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2018 पुरुषों का एकल खिताब जीता है। डेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी कैरोलिन वोजनियक ने 2018 ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2018 महिला एकल खिताब जीता है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे अमीर देशों की सूची में भारत का रैंक क्या है? उत्तर है बी 6वां। न्यू वर्ल्ड वेल्थ की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे अमीर देशों की सूची में 6वें स्थान पर रखा गया है, जिसमें कुल संपत्ति 8,230 अरब अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2017 में दुनिया भर में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला धन बाजार था, क्योंकि इसकी कुल संपत्ति 2016 में 6,584 अरब डॉलर से बढ़कर 2017 में 8,230
8,230 अरब डॉलर हो गए, जो 25% की वृद्धि दर्ज कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे धनी देश है, क्योंकि 2017 में कुल संपत्ति 64,584 बिलियन डॉलर थी। 2018 विश्व कैंसर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है सी, 4 फरवरी। कैंसर इसके उपचार और इसकी रोकथाम के तरीकों को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 2018 टैगलाइन हम कर सकते हैं हाँ मैं यह पता लगाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति सामूहिक या फिर व्यक्तियों के रूप में कैंसर के वैश्विक बोझ को कम करने के लिए अपना हिस्सा कर सकता है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है? उत्तर है सी, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया के सबसे व्यस्त एकल रनवे हवाई अड्डा बन गया है। 980 आगमन है और 24 घंटे में टेक ऑफ या 20 जनवरी 2018 को हर मिनट लगभग एक उड़ान को संभालने के द्वारा एकल रनवे संचालन के लिए एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के बाद वो बन गया है। इसरो ने GS-86A उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसमें कौन सा रॉकेट वाहन है? उत्तर है डी, GSLV-F08। इसरो ने 29 मार्च 2018 को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से भूसमकालिक उपग्रह लॉन्च वाहन का उपयोग करके GS-86A दूरसंचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 49.1 मीटर लंबा GSLV-F08 415.6 टन वजन वाला एक 3 चरण रॉकेट है। मानव में नए पाए गए अंग का नाम दे। उत्तर है सी, इंटरस्टिटियम। वैज्ञानिकों ने मनुष्यों में एक नया अंग पहचाना है जिसे इंटरस्टिटियम कहा जाता है। इंटरस्टिटियम इंटरकनेक्टेड तरल पदार्थ से भरे डिब्बों का एक नेटवर्क है जो त्वचा की सतह के नीचे पाया जाता है और यह अंत फेफड़ों, रक्त वाहिकाओं और मांसपेशियों को अस्तर में ऊतक परतों में भी मौजूद है। यह मजबूत और लचीला संयोजी ऊतक प्रोटीन दोनों से बना हुआ है। 13 वर्षों के बाद किस राज्य के झगरगुंडा गांव में बिजली मिली है? उत्तर है बी, छत्तीसगढ़। 13 वर्षों तक अंधेरे में रहने के बाद बिजली की सुविधा छत्तीसगढ़ के झगरगुंडा गांव तक पहुंच गई है। झगरगुंडा गांव जहां बिजली की सुविधा बहाल की गई है, दांतेवाड़ा के नक्सली प्रभावित जिले के अंतर्गत आती है। गांव में कुल 898 लोगों की आबादी है और गांव में लगभग 199 घर है। 2018 दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता है? उत्तर है बी, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार को पैडमैन और शौचालय एक प्रेम कथा में उनकी भूमिका के लिए 2018 दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार मिला है। पुरस्कार 29 अप्रैल को मुंबई में दादा साहेब फाल्के फिल्म फाउंडेशन द्वारा दिए गए थे। गुनी पेडनेकर ने शौचालय एक प्रेम कथा में उनके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ट्रॉफी भी जीती थी। किस देश ने दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन लॉन्च किया? उत्तर है बी, रूस। रूस ने उत्तरी मुर्मास्क के बंदरगाह में एक समारोह में दुनिया का पहला फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा स्टेशन अकादमिक लोमोनोसोव लॉन्च किया है, जहां इसे पूर्वी साइबेरिया जाने से पहले परमाणु ईंधन से भरा जाएगा। 21,500 टन जहाज का नाम अकादमिक मिखाइल लोमोनोसोव के नाम पर रखा गया था।
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन जाएगी? उत्तर है डी, स्टेसी कनिंगम। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने 226 वर्षीय एक्सचेंज के इतिहास में अपनी पहली महिला राष्ट्रपति स्टेसी कनिंगम नाम दिया है। वह 25 मई 2018 को थॉमस फर्ले से सफल होगी। वर्तमान में हुए NYSE के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है ए, पिपा हैरिस। वयोवृद्ध निर्माता पिपा हैरिस को 2 साल की अवधि के लिए ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वह जेन लश से सफल होगी। इस पोस्ट से पहले वह बाफ्टा की डिप्टी चेयर भी थी। 2018 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय क्या है? उत्तर है ए, शांति के लिए योग। योग का अभ्यास करने के कई फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो भारत में पैदा हुआ था। शब्द योग संस्कृत से निकला है और शरीर और चेतना के संघ का प्रतीक है। इसमें शामिल होने या एकजुट होने का मतलब है। 2018 के लिए उसका जो विषय है वो है शांति के लिए योग। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में भारत का रैंक क्या है? उत्तर है सी, 136वां। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में 163 देशों में भारत को 136वें स्थान पर रखा गया है, क्योंकि बढ़ते कानून प्रवर्तन द्वारा संचालित हिंसक अपराध के स्तर में कमी आई है। इंडेक्स सिडनी स्थित अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा तैयार किया गया है। सूचकांक आइसलैंड के शीर्ष पर है। इसके बाद न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क भी है। यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2018 का 118वां संस्करण किसने जीता है? उत्तर है बी, ब्रुक्स कोएपका। अमेरिकी गोल्फर ब्रुक्स कोएपका ने 17 जून 2018 को न्यूयॉर्क में सिनकॉक हिल्स कोर्स में यूएस ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का 118वां संस्करण जीता है। कोएपका ने 1989 में कर्टिस स्ट्रेंज के बाद से पहले व्यक्ति बनने के इतिहास को सफलतापूर्वक अपने यूएस ओपन खिताब की रक्षा करने के लिए इतिहास बनाया है। टेस्ट मैच के पहले सत्र में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? उत्तर है ए, शिखर धवन। 14 जून 2018 को शिखर धवन, सर डॉन ब्रैडमैन, विक्टर ट्रंपर, मजीद खान, डेविड वॉर्नर के शानदार रैंकों में शामिल होने वाले टेस्ट मैच के पहले सत्र में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। धवन ने 19 चौके और 3 छक्के लगाए, क्योंकि वह बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में ऐतिहासिक भारतीय अफगानिस्तान टेस्ट मैच के शुरुआती दिन 91 गेंदों में अपने शतक पर पहुंच गए। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अधिकतम संख्या है? उत्तर है सी, महाराष्ट्र। वर्तमान में महाराष्ट्र में कुल 5 यूनेस्को विश्व विरासत साइट है और यह संख्या भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा है। साइटों में अजंता गुफाएं, एलोरा गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और दक्षिण मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेका भवन शामिल है। अंतिम 30 जून 2018 को शामिल किया गया था। 2018 पुरुषों के एकल टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है डी, गिल साइमन। फ्रांस के गिल साइमन ने 6 जनवरी 2018 को पुणे में बलवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा ओपन महाराष्ट्र टेनिस ट्रॉफी जीती है। शिखर सम्मेलन में असीमित फ्रेंच खिलाड़ी ने
दूसरे सेगमेंट केविन एंडरसन को सीधे सेट में 7-6, 6-2 में हरा दिया। साइमन दुनिया में 89 स्थान पर है जबकि एंडरसन 49 स्थान पर है। कौन सा कंटेनर पोर्ट 2017 समुद्र मंथन देखभाल संगठन का वर्ष पुरस्कार जीता है? उत्तर है सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो भारत के प्रीमियर कंटेनर पोर्ट है उसने 2017 समुद्र मंथन देखभाल संगठन का वर्ष पुरस्कार जीता है। भंडारकर शिपिंग द्वारा स्थापित पुरस्कार समुद्री क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? उत्तर है बी तूफान घोष। तूफान घोष ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के नए मुख्य संचालन अधिकारी के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है। उनके अलावा पूर्व भारत के स्टंपर सबा करीम ने बीसीसीआई के महाप्रबंधक के रूप में पद संभाला है। समान सेक्स विवाह को रद्द करने के लिए कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन गया है? उत्तर है डी बरमूडा। बरमूडा वैध होने के लिए दुनिया का पहला देश बन गया है और फिर समान सेक्स विवाह को निरस्त कर देता है। ब्रिटिश द्वीप क्षेत्र के गवर्नर जॉन रैंकिन ने 2017 सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद समलैंगिक सेक्स विवाह को अधिकृत करने के बावजूद शादी करने के लिए समलैंगिक जोड़ों के अधिकार को वापस करने के लिए एक बिल को मंजूरी दी। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है ए इंदिरा नुई। पेप्सिको के अध्यक्ष और सीईओ इंदिरा नुई को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड में अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वह आईसीसी इंडिपेंडेंट चेयरमैन की अवधि के साथ संरक्षित करने के लिए जून 2018 में बोर्ड में शामिल हो जाएगी। किस राज्य में 15 फरवरी 2018 को जनता के लिए पहला तितली पार्क खोला गया? उत्तर है सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का पहला तितली पार्क रायसेन जिले के गोपालपुर में 15 फरवरी 2018 को जनता के लिए खोला गया। पार्क 3 हेक्टेयर भूमि में फैल गया है। इसमें तितलियों की 65 प्रजातियां और लगभग 137 पौधों की किस्में भी हैं। सीईटी क्रिकेट रैंकिंग पुरस्कारों में किसने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है? उत्तर है सी विराट कोहली। विराट कोहली ने 28 मई 2018 को मुंबई में सीईटी क्रिकेट रैंकिंग पुरस्कारों में वर्ष का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर जीता है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन को अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाज ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था जबकि न्यूजीलैंड की गति संवेदना ट्रेंट बोल्ट ने अंतरराष्ट्रीय गेंदबाज ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। पहली बार सभी महिला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र ने किस शहर में परिचालन शुरू कर दिया है? उत्तर है ए फागवाड़ा। पहली बार सभी महिला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र ने पंजाब के फागवाड़ा में परिचालन शुरू कर दिया है। स्थानीय केंद्र डाकघर में केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। यह देश में 192वां POPSK था लेकिन पहली महिला टीम द्वारा संचालित की जाने वाली पहला केंद्र था। डिजिटल राज्य हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिजिटल हस्ताक्षरित भूमि रिकॉर्ड रसीद जिसको 712 रसीद भी कहा जाता है प्रदान करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। 7/12 रसीद सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो भूमि का स्वामित्व स्थापित करता है और मुख्य रूप से
ऋण के लिए आवेदन करते समय किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल फसल सर्वेक्षण के दौरान सरकार द्वारा किया जाता है और विभिन्न सुविधाओं का विस्तार किया जाता है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा वायु शुद्धिकरण बनाया है? उत्तर है डी, चीन। वायु प्रदूषण से लड़ने के प्रयास में चीन ने एक प्रयोगात्मक वायु शुद्धिकरण टावर का निर्माण किया है जो 100 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे बड़ा वायु शुद्धिकरण है। रिपोर्ट के अनुसार वायु शुद्धिकरण ने इसे लॉन्च होने के बाद से 10 मिलियन घन मीटर स्वच्छ हवा का उत्पादन भी किया है। पुरुषों के एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2018 किसने जीता है? उत्तर है डी, राफेल नडाल। स्पेनिश पेशेवर टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने 10 जून 2018 को अपने 11वें फ्रेंच ओपन खिताब का दावा किया। पेरिस में पुरुषों के एकल फाइनल में उन्होंने ऑस्ट्रियाई डोमिनिक थीम को सीधे सेट में 6-4, 6-3, 6-2 से हराया। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है ए, 23 अप्रैल। पुस्तकों और पढ़ने और पुस्तक उद्योग पेशेवरों या स्वयंसेवकों में लेखकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। पढ़ने, प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा दिन का आयोजन किया जा रहा है। दिन को अंतर्राष्ट्रीय डे ऑफ द बुक या वर्ल्ड बुक डे के रूप में भी जाना जाता है। भारत के किस मुख्यमंत्री को राजनीति और सार्वजनिक जीवन पुरस्कार में पहली मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रोबिटी के साथ दिया गया है? उत्तर है डी, नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके जीवन के लिए राजनीति और पब्लिक लाइफ अवार्ड में पहली मुफ्ती मोहम्मद सईद प्रोबिटी और सार्वजनिक जीवन में प्रोबिटी लाने के साथ साथ बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके क्रूसेड में योगदान दिया गया है। 8 जनवरी 2018 को जम्मू में आयोजित मुफ्ती मोहम्मद सईद स्मारक दिवस समारोह में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोरा ने बिहार के मुख्यमंत्री को यह पुरस्कार प्रस्तुत किया था। इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? उत्तर है बी, उषा अनंत सुब्रमण्यम। इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ उषा अनंत सुब्रमण्यम को वर्ष 2017-18 के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष चुने गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रजनीश कुमार को वर्ष 2017-18 के लिए IBA के उपाध्यक्ष के लिए चुने गए थे। बाजार पूंजीकरण में 6 लाख करोड़ रुपए पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? उत्तर है सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रुपए पार करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। बाजार पूंजीकरण में 6 लाख करोड़ रुपए के शेयर के रूप में 22 जनवरी 2018 को इसकी शेयर की कीमत 974.5 रुपए के 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के बकाया शेयरों का बाजार मूल्य बाजार पूंजीकरण के रूप में जाना जाता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? उत्तर है ए, एस सोमनाथ। एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट टेक्नोलॉजिस्ट एस सोमनाथ ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए निदेशक के रूप में प्रभारी पदभार संभाला है। वह के सिवान से सफल बने जो हाल ही में इसरो के अध्यक्ष बने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन है? उत्तर है सी, रेडियो उमंग। भारत का पहला ऑनलाइन रेडियो स्टेशन रेडियो उमंग 2018 विश्व रेडियो दिवस पर शांति
मानवता और आशा के आसपास थीम लगाया गया है। यह प्रेरणादायक कहानियों, आकर्षक टॉक शो और सुखदायक संगीत के साथ पेक आता है। बाटा के खेल पहनने वाले ब्रांड पावर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को नियुक्त किया गया है? उत्तर ऐसी स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को बाटा के खेल पहनने वाले ब्रांड पावर का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। वह एक भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज। अल्फाबेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर है डी, जॉन हेनेसी। जॉन हेनेसी को अल्फाबेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। जॉन हेनेसी एरिक स्मिट को सफल बनने हैं। एरिक स्मिट लंबे समय तक अल्फाबेट बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष थे। किस भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी ने 2018 अबू धाबी ओपन स्क्वैश खिताब जीता है? उत्तर है बी, रमित टंडन। भारत के रमित टंडन ने 6 मई 2018 को अबू धाबी ओपन स्क्वैश खिताब जीता है। अबू धाबी में एक रोमांचक एक घंटे का फाइनल में रमित ने मिस्र के नंबर एक अंक उमर अब्देल नेगुइड को 11-6, 6-11, 11-3, 11-2 से हराया। नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट को स्केल करने वाली भारत की सबसे छोटी महिला कौन बन गई है? उत्तर ऐसी शिवांगी पाठक। शिवांगी पाठक नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट को मापने वाली भारत की सबसे छोटी महिला बन गई है। हरियाणा के हिसार में पैदा हुए शिवांगी ने माउंट एवरेस्ट पर इस संदेश को फैलाने के लिए चढ़ाई की। महिलाएं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी भी बाधा को दूर कर सकती है। ओडिशा के नए गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है डी, गणेशी लाल। हरियाणा भाजपा नेता प्रोफेसर गणेशी लाल को ओडिशा के नए गवर्नर नियुक्त किया गया है। नागा नेता एससी जामिन ने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मार्च 2018 के बाद से पद रिक्त था। पतंजलि ने ब्लैंक नामक एक मैसेजिंग ऐप शुरू किया है, यानी कि जो मैसेजिंग एप्लीकेशन है उसका नाम बताना है। उत्तर है ए, किम्भो। योग गुरु रामदेव की पतंजलि ने मैसेजिंग एप्लीकेशन किम्भो लॉन्च किया है, जो इसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के लिए चुनौती के रूप में पेश करता है, जिसमें गूगल प्ले स्टोर से 1 बिलियन से अधिक डाउनलोड है। पतंजलि ने स्वदेशी समृद्धि सिम कार्ड लॉन्च करने के बाद यह स्वदेशी संदेश मंच आता है। वर्ष 2017 के क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर ट्रॉफी किसने जीता है? उत्तर है बी, विराट कोहली। भारतीय कप्तान विराट कोहली को वर्ष 2017 के क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी का नाम दिया गया है। उन्हें 18 जनवरी 2018 को दुबई में घोषित 2017 आईसीसी वार्षिक पुरस्कारों में ओडीआई खिलाड़ियों के लिए शीर्ष सम्मान मिला। उन्हें आईसीसी पुरुषों की ओडीआई टीम ऑफ द ईयर और आईसीसी पुरुषों की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर दोनों के कप्तान के रूप में भी नामित किया गया है। नवीनतम सर्वे रिपोर्ट स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार निम्नलिखित में से किन शहरों को भारत का सबसे पहला साफ शहर माना गया है? उत्तर है ए, इंदौर। नवीनतम सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार इंदौर को भारत का पहला सबसे साफ शहर माना गया है। भोपाल को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण में दूसरा और चंडीगढ़ को तीसरा स्थान मिला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा 10 लाख से अधिक आबादी वाला भारत का सबसे बड़ा साफ शहर है। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सबसे तेज प्रेमी बड़ा शहर है। नई दिल्ली नगर परिषद देश का सबसे साफ और छोटा शहर है,
जिसमें आबादी 1 लाख से 3 लाख तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ फन, बाय बाय।